हेलो, नमस्ते एवरीवन। सभी को फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज है आपका 23 नवंबर, जो कि है एकादशी। हम लोग का आज लास्ट दीपावली, और आज हम लोग का घर में एकादशी का पूजा है, जो कि दिवाली ख़त्म होने का। अभी मैं उसी के तैयारी में लगी हुई हूँ, एकादशी के तैयारी में। मम्मी होने से माला बना दे रही है, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एकादशी के लिए माला बना रही है मम्मी। ये फूल ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, इसलिए एक ही माला लंबा से बना दिया है। बना रही है माला, मम्मी बना के हो गया भैया नहीं अम्मा। ये देखिए एक ही माला है, पूरा लंबा से बना दिया गया है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कहाँ लगाऊंगी। ये जो कि बांस का लिंगो बोलता है उसका, आज तुलसी का मोट में पूजा किया जाता है एकादशी का दिन में। ये लास्ट दिवाली है आज से, और हम लोग का दिवाली ख़त्म। खासतौर शाम को ज़्यादा होता है ये, अभी सुबह से लगा है। आप बनाते रहिए। ये देखिए ऐसे तुलसी का मूर्त में पूजा किया जाता है आज के दिन एकादशी में। ये बेम्बो का लिंगा जो 5 लेके भैया ने लगा दिया है, और अभी हमें शुगर केन का पेड़ भी लगाया जाएगा। उसके बाद में ये सब सफ़ा करना है मुझे, और ये इसको भी पानी डाल के साफ करना है। उसके बाद यहाँ पे माला लगाया जाएगा, जो मम्मी बना रही है वो माला। इस तरीका से मैं आप लोग को आगे आगे दिखाऊँगी कैसे करूँगी पूजा। वैसे तो ये शाम में ज़्यादा अच्छा लगेगा, शाम को ये मेन, तो फिर भी मैं आप लोग को जितना हो सके दिखाऊंगी। ये देखिए अभी पूरा मंदिर ऐसे साफ कर दिया मम्मी ने, और ये भैया ने लगा दिया है शुगर केन का पेड़ और ये बेम्बो का लिंगो। अभी इसमें मैं थोड़ा रंगोली बनाऊंगी। बना रही हूँ रंगोली, जो कि ये मैंने फूल बना लिया, और यहाँ पे भी फूल सिंपल में बनाया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नीचे में दिया जलाऊंगी, और अभी ऐसे सिंपल में ये बना रही हूँ। मैंने इस तरीके से रंगोली बना लिया, सिंपल से बनाया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ऊपर में ये बनाया, और फिर ये ऐसे करके यहाँ पे मैंने डार्ट से बनाया, क्योंकि मेरा रंगोली जो ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल से ऐसे लाइन लाइन खींच दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था खाली। अभी ये माला जो मम्मी ने बना रही थी सुबह, इसको मैं अभी यहाँ पर पूरा लगाऊँगी। कल तोड़ के रख दिया था, आज मम्मी ने सुबह उठ के बना दिया। अभी बच चुका है दिन का 1 या 2, पूरा फूल भी मुरझा चुका है, फिर भी कुछ नहीं, ये थोड़ा गैपिंग हो गया, इसीलिए मैं इसे मिला रही हूँ। अभी मैं इसे ऐसे करके ऐसे ले जाऊंगी, मैं ऐसे जा रही हूँ, बहुत तकलीफ है। हम लोग का पीपल का पेड़ भी यहीं पे है। आज के दिन कुछ नहीं खा के सुबह से उपवास रख के ये पूजा किया जाता है। एक्चुअली शाम को है मेन, तो प्रसाद चढ़ाया जाएगा, दिया जलाया जाएगा, फिर से रोटी बनाया जाएगा, सल रोटी। देखिए मेरा डेकोरेशन इतना हो गया, रंगोली बनाया थोड़ा हल्का हल्का छोटा सिंपल में, और ऐसे फ्लावर लगा के ये सब। अभी मैं ये काट रही हूँ एलिफेंट फ्रूट्स, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको औटेगा, अखमिया लोग बोलते हैं औटेगा। और उधर में नारियल काट दे रहा है, और ये शिबू मेरा हेल्पर ना शिबू पूरा नारियल काट दे रहा है। ये पूजा शाम को ही किया जाता है अभी, और ये होने से अचार बनाएगा तिल मटर के साथ, इसलिए मैं इसे काट दे रही हूँ। बॉयल करके बनाया जाता है, इसका प्रोसेस लंबा है, मुझे पता नहीं इतना। अभी बच चुका है शाम का 4, और मैं ये फ्लावर तोड़ रही हूँ, जो कि शाम को पूजा करने के लिए। मम्मी लगी है टोपरी बनाने में, प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो हम लोग का बनाया जाता है कवर पत्ता से, टोपरी बोलते हैं, उससे बना दे रहा है। और फिर दीदी रोटी अचार ये सब में लगा हुआ है, और मैं उनसे थोड़ा ये मेरी गोल भी तोड़ने आई हूँ। मेरी गोल तो उस दिन दिवाली में तोड़ के माला बना के भाई दूज में भैया लोग को पहना के ख़त्म हो गया, और थोड़ा कुछ बचा था वो भी कल तोड़ के आज सुबह माला बना के मम्मी ने वो लगा दिया मंदिर में। मंदिर में मीन्स लिंग में, जो मैंने दिखाया था आप लोग को। शाम का 4 बज चुका है, और मुझे पूरा हड़बड़ी हो रखा है, क्या करो क्या नहीं। अकेली हूँ, अकेले मीन्स दीदी और मम्मी भी है, जुटा हुआ है मेरे काम में, पूरा हेल्प कर रही है फिर भी। और ट्यूशन भी आया था, ट्यूशन भी पढ़ाया मैंने। ये देखिए मैंने फूल भी तोड़ लिया, अभी वापस जा रही हूँ घर। ये बहुत सारा फूल तोड़ रहा है हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, और ये पिंक कलर का फ्लावर, इसका फूल का पता नहीं नाम क्या है। अभी शाम का पूजा शुरू हो चुका है, मैंने दिया भी जला लिया।
ये पापा का यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे भगवान का यहाँ पे अभी धूप जलाना बाकी है। पहले अंदर पूजा करके तो बाहर करूँगी। मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठ गया शाम होने से, इससे आवाज़ बैठ जाता है क्योंकि मेरा गला का प्रॉब्लम है इसलिए, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, एनर्जी है ही नहीं। भैया ने लाइटनिंग भी लगा दिया, मैं अभी शाम का दिया जला रही हूँ। ये चीज़ जो एकादशी का जो पूजा किया जाता है आज के दिन, उसमें ये आपका जो लिंगो बोलता है पांच लगाया जाता है, आगे में दो पीछे में तीन, पांच। उसके बाद में दिया भी आज के दिन यहाँ पे पांच जलाया जाता है, पांच लिंगो में पांच दिया, फिर पांच ही जगह में प्रसाद। वो देखिए पीछे गणेश जी और लक्ष्मी को रखा है मैंने। अभी ये टोपोरी बोलता है, टोपोरी जो कि कवाई पात का बनाया जाता है, इसमें अभी मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये मैंने भगवान जी के लिए लाया है प्रसाद, पहले भगवान को चढ़ाऊंगी और हम लोग पत्ता में चढ़ाता है क्योंकि पत्ता तो एक शुद्ध चीज होता है। आज अच्छी हो एकादशी, एकादशी को व्रत लिएर मैले बिहान देखी अहिले बेलुका अहिले इस तरिकाले यसरी पूजा गरेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है, पाँचटा लिङ्ग गाडेर प्रसादी चढाएर यसरी अहिले यी धुना पनि छु बेलुकाको। अभी मेरी बड़ी सिस्टर बड़ी दीदी पूजा कर रही है। जय जय दुर्गा माता की, जय जय काली माता की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय गणेश जी की, जय जय तुलसी माता की, जय। खत्म नहीं हो? आरती लो ऐसे करके माथे में लगाना है ना, अच्छा से तीन बार दो बार लो। हाँ राहुल बोल तो बोले इस तरीका से हम लोग का आरती भी संपन्न हो गया। भगवान को पहले आरती दिया, उसके बाद में हम लोग सब ने ले लिया। चलो फर्स्ट लक्ष्मी है ना, छोटी बच्ची से यहाँ चलो आओ शिवु युवा शिवु लगे और कौन था सर বিশ্বনাথ বাগরি আসছে আসুন চলো মানে মেরা ভাইয়া দাজু ইয়ে বড়া ভাইয়া বাড়ি চলো ভাউজু পুরা ইহা মে মম্মি কো আকে হেল্প কর রিয়ে ইয়ে ইসকো বলতে হ্যায় সেল রোটি। दूसरा लोग तो बोलता है माला रोटी, लेकिन नेपाली लोग बोलते हैं इसको सेल रोटी। ये पूरा बन रहा है, एकादशी का दिन भी बनाया जाता है। ये यहाँ पे इतना बन चुका है, ये मम्मी ने बनाई थी। अभी भाभी का टाइम, भाभी ला तो अजय ठुल्लो डेक्ची ले दे सा। कैसा लग रहा है भाभी सेल रोटी बना के? बहुत अच्छा लग रहा है। आने के लिए धन्यवाद एकादशी में। अरे हम लोग का फूफू का मदन नहीं करने से कौन आएगा? हाँ तो कौन आएगा? अब लगाए नहीं लगाए लीजिए। हाँ पूजा का आशीर्वाद टीका इधर में ना, ना बोलने भी नहीं आता है।
यहाँ पे दीदी, ये है बड़ी दीदी। क्या क्या बोलते हैं हाथ इस तरह ये है हम लोग का गोलू। ऐसे पकड़ो अच्छे से, दो हाथ से पकड़ता अभी तो तुम खा पाएगा। ये एक ऊपर कर, हाँ देते ही खा देना रे, पी देना, पियो पियो पियो, मिला कि नहीं, ऐसे करो, हाँ हो जाएगा। पंचमे ये भाभी रोटी बना रही है इसलिए हाथ ही नहीं है, चम्मच चम्मच में दिया गया है पंचमे। प्रसाद जो की अभी बच्चे लोग को, छोटा छोटा बच्चा लोग आया है वो लोग को पहले दिया जाएगा, उसके बाद बड़े लोग का टाइम आएगा, पहले दे देते है बच्चा लोग को। अब फिर तो कोई काटा ही नहीं, मैंने सोचा काट के रखा है। रुक्मणी पकड़ो तो। ओके सर, वेलकम। अभी रख के खाऊंगा नीचे में। रखो नीचे, रखो हाँ, अभी नीचे रख देगा। हाँ नीचे रखे खाओ। कौन है तू? तू रहो रुक्मणी, वेलकम। ये अभी भाभी लोग जा रही है, बाय बाय की गुंडू बनवा रहे हमें सुना, बाय बाय फुच्ची, फिर आउनु ल। इस तरीका से एकादशी पूजा कंप्लीट हो गया, सब लोगों ने प्रसाद भी खा लिया, उसके बाद में अभी जा रही है भाभी लोग। ये कसरी बंचो, बाय बाय, गुड नाइट, फ्लाइंग किस दीदू कर दो। ए भगवान, यहाँ पे पूरा चप्पल का हल्ला, चप्पल गायब होके दाजू उठेर बसे थियो थियो। अनि ओ सिबु तैले ठेल दे गइने चप्पल, ओ एले एले फिर मले यहाँ ले राखे। यहाँ पे पूरा चप्पल का हल्ला, दाजू जाम जाम भन्दै थे त, हम लोग का दाजू का चप्पल गायब होके। दाजू चप्पल झन्डै लडा गनि, चप्पल अलि के छैन नि भइ। हां त तुम नै जाओगे? बाय बाय, धन्यवाद आई दिनुको लागि, बाय बाय, फेरि भेटौँला यसरी नै, बाय बाय फुच्ची, जानुस है भाउजू दाजू। मैं जस्ट अभी प्रसाद खाने बैठी हूँ, सुबह से फास्टिंग रखा है, अभी तक कुछ नहीं खाया, कल ही खाऊंगी सुबह पूजा करके। अभी ये प्रसाद, कच्चा प्रसाद खाने के लिए बैठी हूँ अकेली। सब लोग आके प्रसाद खा के, भाभी भैया लोग, मेरा ट्यूशन बच्चा लोग चला गया, अभी मैं ये खाने के लिए बैठ रही हूँ। इसी वीडियो के साथ सभी को हैप्पी एकादशी और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसी तरीका से हर साल दिवाली, दशहरा, लक्ष्मी पूजा सब लोग मनाएं खुशी हंसी। अभी मिलेंगे आने वाले साल 2024 को, 23 का एकादशी ख़त्म हो गया आज। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सभी को।